हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सॉल्यूशन। क्या आप भी पेपाल में अर्निंग करना पसंद करते हैं, या फिर मोबाइल रिचार्ज, या फिर गिफ्ट कार्ड्स? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अर्निंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके मदद से आप अच्छी खासी पेपाल कैश, या फिर मोबाइल रिचार्ज, या फिर गिफ्ट कार्ड्स अर्न कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, आप उस लिंक से भी विजिट होके उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आप सीधा प्ले स्टोर में इस ऐप को देख पाएंगे, या फिर आप प्ले स्टोर में सीधा ये भी सर्च कर सकते हैं, स्लाइडजॉय। ऐसा सर्च करने पर भी ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ये ओपन हो चुकी है। अब पहला प्रोसेस क्या है, अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से साइन इन हो सकते हैं, या फिर आप अपने ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं ईमेल को चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ साइन अप में आपको कुछ फिल करनी है, एक फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालनी है, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करनी है। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स की। ठीक है, और यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा देना है, सही भरना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना जेंडर भर देना है। ठीक है, उसके बाद डन कर देना है। तो चलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी डिटेल्स भर दी है, अपना ईमेल और 8 कैरेक्टर का पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, सही से डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही से ही भर दिया है। अब जेंडर सिलेक्ट करके डन कर देना है। आप भी सब कुछ सही से ही भर दीजिए और इसको डन कर दीजिए। अब जैसे ही आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली लेफ्ट तरफ में ढकेल देना है। ठीक है, 1 2 3 4 ये पूरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक करना है, फिर से 3 बार। ठीक है, ऐसा आप क्लिक कर दीजिए। आप अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे तो आप इस तरह होम पेज में विजिट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो दिखा रहा है, टोटल स्लाइड जो है कैरेट्स, यानी कि ये मेरी टोटल अर्निंग्स हैं। ठीक है, जितना आप क्रेडिट पॉइंट को अर्न करेंगे वो है यहाँ पर शो होने लग जाएगी। और दूसरे पे आप देखिए रिडीमेबल नाउ, मतलब कि अभी आप कितना यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि ये मेरी 2050 ये मेरी क्रेडिट पॉइंट है, टोटल मैंने इतना अर्न किया है, लेकिन अभी मैं 1740 क्रेडिट्स विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए नीचे की तरफ ट्रांजेक्शन में, आप देख लीजिए अगस्त में मैंने 2 ट्रांजेक्शन करी हैं, 100 रुपीज़ का यहाँ से मैंने विड्रॉ कर लिया है, कितने को, 25 अगस्त को, और ये सक्सेसफुल रहा है। दूसरे में आप देख लीजिए एक पेपाल का है, मैंने $3 यहाँ से कैश आउट कर लिया है। ठीक है, ये भी सक्सेसफुल है, मतलब कि मैंने अपनी अर्न किए गए क्रेडिट से इतना विड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं इतना कर सकता हूँ 1740, और अभी मेरा कितना बचा है, 2050 क्रेडिट अभी मेरा अकाउंट में बचा है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अर्निंग्स कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे अपने फ़ोन को लॉक करते हैं, तो आप नॉर्मली लॉक करते हैं फिर अनलॉक कर, नॉर्मली होता रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज होगा। जैसे ही आप अपने फ़ोन को लॉक करेंगे और फिर अनलॉक करेंगे, तो आपके सामने एक ऐड आएगी, उस ऐड को आपको देखना है सिर्फ। ठीक है, और उसको हटा देना है।
बस इतना ही करना है और सिर्फ हर बार एक ही ऐड आएगी, ठीक है, बस एक ही ऐड को देखना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिट पॉइंट बढ़ जाएगी और आपकी अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो मैं अपने फ़ोन को लॉक कर लेता हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को लॉक करके अनलॉक किया है उसके बाद मेरे स्क्रीन के सामने एक ऐड आ गई है। बस इसी ऐड को देखने का हमें क्रेडिट पॉइंट मिलता है। तो इसको कैसे हटाना है, तो यहाँ पर आप सिंपली इस तरह इसको ढकेल दीजिए, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं ढकेल रहा हूँ इस तरह ढकेलना है, ठीक है, बस हो गया, काम हो गया। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे अर्निंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना पॉइंट यहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप ऊपर देख लीजिए एक डॉलर वाला साइन है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि $1 मतलब 63 रुपीज़ 96 पैसा है, इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो अब आप अपने ये रिडीमेबल पॉइंट को, मतलब अभी जो मैं इतना विड्रॉ कर सकता हूँ एक 1740 क्रेडिट, इसको मैं किस तरह कैश को मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, इसके लिए बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं। एक है पेपाल, फिर है गिफ्ट कार्ड्स, ठीक है, टॉपअप बहुत सारी दी गई हैं। तो अगर आप पेपाल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो है 2000 क्रेडिट पॉइंट। अगर आपके पास 2000 रिडीमेबल क्रेडिट पॉइंट होंगे तो आप $2 पेपाल कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मेरे पास है 1740 क्रेडिट, यानी कि मैं अभी इस वक्त $2 पेपाल कैश ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसलिए मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, कुछ है गिफ्ट कार्ड, आप फेसबुक में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिर है टॉपअप। टॉपअप में क्या सीन है, अगर आप एयरसेल में रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप ₹25 एयरसेल में आप अपना रिचार्ज कराते हैं तो ₹25 के लिए आपके अकाउंट से 462 क्रेडिट पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे, और ₹100 के लिए 1870 क्रेडिट पॉइंट माइनस होंगे, ठीक है। और उसी तरह एयरटेल है, एयरटेल का ही लगभग सेम ही है, वही 25 और 100 ₹25 के लिए 462 और ₹100 के लिए 1870 क्रेडिट पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। सेम BSNL आइडिया, ऐसा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, टॉपअप का, गिफ्ट कार्ड का और कैश ट्रांसफ़र, आप इसको पेपाल का, ये आपको सारी ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि रिफ़र, अगर आप इसको रिफ़र करते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिफ़र कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, मन की मर्ज़ी के ऊपर है। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, रिफ़र करने पर। लेकिन फिर भी मैं इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आप सीधी तरह प्ले स्टोर में विजिट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये लोग हैं टॉप, ठीक है, ये टॉप पर हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट अर्न किए हैं, इसलिए इन लोगों का नाम सबसे ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए $5 इसने अमेजन गिफ्ट कार्ड विड्रॉ किया है, ये $3 का, $5 का, $2 का, ऐसा करके बहुत लोग किए हैं। ये ऐप ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, इंडिया में भी चलता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छी खासी है, मैंने अच्छी खासी पैसा अर्न किया है, आपने देखा है खुद, ₹100 का एक एयरटेल का मैंने ट्रांसफ़र किया है और $3 का पेपाल का। अगर आप $3 का हिसाब लगा लेंगे तो हो गया कितना, ₹200 के आसपास तो हो ही जाते हैं, यानी कि ₹300 अब तक मैं विड्रॉ कर चुका हूँ।
अभी और मेरे 2000 क्रेडिट पॉइंट है, यानी कि और दो डॉलर मैं अभी भी कर सकता हूँ, तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है यहाँ से। और यहाँ पर आप देख लीजिए इनबॉक्स में, यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, नोटिस आएगी, वो कैसा कि आप इस महीने में आप इतना क्रेडिट पॉइंट अर्न किए हो, ऐसा करके आपके पास नोटिस आएगी, ठीक है, स्लाइडजॉय की तरफ से। तो इस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने अपना पेमेंट प्रूफ भी दे दिया इसी वीडियो में, तो ताकि आपके लिए आसान हो। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप अनलॉक करते हैं, एड्स को देखते हैं और फिर सोचते हैं चलो अपना अकाउंट खोल के देख लेता हूँ कितना पॉइंट मेरे अकाउंट पे आ चुका है, और फिर जब आप देखते हैं कि पॉइंट जीरो है तो आप क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर आप क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आपको सिर्फ ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है अपडेटेड डेली एट 10 PM, मतलब कि हर रात 10 बजे के बाद ही आप अपने अर्न किए गए क्रेडिट को देख पाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें और रात 10 बजे तक वेट कर जाएं। 10 बजे के बाद 10:30 बजे तक आप अपना पूरा अर्निंग्स को देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ये मेरे को बोल चुके हैं कि यार ये तो फेक है यार, सिर्फ तुम्ही को मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो यार बेवकूफ़ी मत करो, अच्छी तरह से सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव हो या फिर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स करें, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।